नमस्कार आदाब, प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ना हो मुझे जुस्तजुए मंजिल, मगर है मंजिल मेरी तलब में। कोई तो मुझको बुला रहा है, किसी तरफ तो जा रहा हूँ मैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने बुजुर्गों की विरासत को नए दौर की ज़रूरत के हिसाब से कुछ यूँ ढाला है कि आज के दौर में उनके लाखों प्रशंसक हैं। संतूर की तार और उनका अंदाज एक अलग पहचान रखते हैं और उनकी सादगी और कला के प्रति उनका समर्पण एक मिसाल है। शख्सियत भी आज हमारे मेहमान हैं, अभय रुस्तम सुपोरी। संतूर, शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा, कश्मीर का खास रंग, सूफियाना माहौल की खुशबू और इस अनमोल विरासत की एक खूबसूरत कड़ी। संतूर वादक पंडित भजन सुपोरी की आंखों का तारा, संतूर नवाज युवा कलाकार अभय रुस्तम सुपोरी। श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में अपने फन की चमक दमक और अपने बुजुर्गों की दुआ और आशीष से सरशार, डेढ़ सौ सालों की समृद्ध विरासत को सहेजने का काम अभय रुस्तम सुपोरी ने बड़ी ही लगन और खुशदिली से किया। सफर में उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के साथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की खूबसूरत मिलन को मंच पर बखूबी पेश किया। एक साथ एक मंच पर प्रस्तुति संगीत रसिकों को मंत्रमुग्ध कर जाती है। इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म में संगीत के साथ साथ उस सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को भी प्राथमिकता दे रही है। तोड़ दो ये सरहदें, सब एक हो जाए। इस घड़ी इस पल संतूर की दुनिया के साथ साथ गीत संगीत की कहकशा के चमकदार सितारे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी। बहुत बहुत स्वागत अभय प्रोग्राम शख्सियत में आपका। नमस्कार, थैंक यू। बेहद खुशी है कि आज आप वक्त निकाल पाए हम लोगों के लिए। ने मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो अभय, क्योंकि आप हैं और ये खूबसूरत साज हमारे बीच में है, तो क्यों ना शख्सियत की शुरुआत संतूर के खूबसूरत रंग से की जाए। जी बिल्कुल। Thank you.
इस खूबसूरत रंग के बाद मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि बचपन में कब आपकी ये तालीम शुरू हुई और कब आपको ये या आपके माता पिता को ये लगा कि हमारा ये बच्चा अब हमारी इस विरासत को आगे बढ़ाएगा। कुछ किस्से माँ बाबा तो सुनाते ही होंगे यकीनन, और ख़ास तौर से ये जो अभय रुस्तम सपोरी है, इसमें रुस्तम कहाँ से आ गया? देखिए, मैं कश्मीर के सूफियाना घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और सोपोरी फैमिली का जो ये हिस्ट्री है, एक के बाद एक मास्टर म्यूजिशियंस हैं, तो जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो कंपलसरी है। और उसके बाद जो भी एक बच्चा अपना प्रोफेशन लेना चाहे, वो उसे फ्रीडम भी है। मेरी भी शुरुआत क्वाइट अर्ली हुई। सबसे पहले मैंने गाना सीखा, क्योंकि गाना प्रथम है। और मेरे दादाजी आज भी अगर मुझे कुछ बता रहे हैं तो सबसे पहले वो कहेंगे कि इसको गाओ, अच्छा, उसके बाद इसे साज पे उतारो, क्योंकि जब तक हम गले से उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो चीज़ संतूर जैसे साज पे उतारना बहुत मुश्किल है। और हमारा गायकी अंग है तो वो चीज़ें उसमें बहुत निखर के आती हैं। उसके साथ साथ सितार भी मैंने सीखा, अच्छा, क्योंकि वो एक जिसे आप कहें कि संतूर तक उस बात को पहुंचाने का एक बहुत अच्छा एक सहारा मुझे मिला कि किस तरीके से सितार में वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, उसके बाद उसे संतूर में कैसे उतार सकता हूँ। तो सितार से, वोकल से और संतूर से ये मेरी इनिशियल तालीम हुई। तो दादाजी और पापा से मैंने सीखा। और जहाँ तक मेरा जो नाम रुस्तम सपोरी है, मेरा दरअसल नाम रुस्तम ही था। अच्छा। मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनका नाम सोहराब है। क्या बात, तो रुस्तम और सोहराब की जोड़ी रही हम लोग रहे हैं। कुछ हमने कंपोजिशंस भी साथ मैंने अपने बड़े भाई के साथ किए हैं। अच्छा। लेकिन भाई मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग फील्ड में है और मैंने म्यूजिक लिया, लेकिन अभय मुझे बहुत लेटर एड हुआ और कोई खास उसका रीज़न नहीं था, लेकिन वो जुड़ा। और जब जोड़ा गया तो कहा कि कुछ ऐसा जोड़ा जाए जो हिम्मत दे, तो अभय ना हो। तो अभय जुड़ा, लेकिन ये अराउंड 89-90 के आसपास ही जुड़ा। तो जो भी मुझे कश्मीर से जानते हैं, मेरे मित्र वहाँ से पुराने, मेरे टीचर्स, तो वो मुझे आज भी रुस्तम ही बुलाते हैं। देखा जाए तो जो आपके पिता रहे और जो दादा रहे, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहे। सीखने का उनसे मौका मिला, बहुत खुशनसीब रहे आप। गुरु शिष्य परंपरा का पालन भी मेरे ख्याल से वहीं से आपका शुरू हुआ। दादा या पिता की सिखाई भी बंदिश अगर आप सुनाना चाहें तो। मैं आपको एक तराना सुनाता हूँ। ज़रूर। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर साहब पंडित संसार चंद सोपोरी जी की कंपोज्ड सूफियाना तराना था, और मैंने इसे क्लासिकल में डाला हुआ है, तो अच्छा लगेगा। जरूर। दीन तनन तदर दानी, दीन तनन तदर दानी, नदर दानी तुम दर दानी, त अल्लाह दीन तनन तदर दानी, दीन तनन दीम हे नदर दिर दिर दीम तन, यली अलूम यली अलूम, तुम तनन तुम तनन, नदर दानी तुम दिर दानी, त आहे दीम तनन तादर दानी, दीम तनन तादर दानी। मुझे ये बताइए कि आपने फ्यूजन भी और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक भी आपने सीखा, फिर क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा। जब आप इन दोनों का फ्यूजन करते हैं, मतलब दोनों को एक साथ आप एक मंच पर प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर शास्त्रीयता कायम रहे, इसको लेकर क्या कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत होती है और कैसे मैनेज कर पाते हैं? मुझे पर्सनली लगता है कि हम जिस भी
एक पर्टिकुलर जॉनर पे कंसंट्रेट करके उसकी ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जो उसका एक एलिमेंट है वो प्रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो जो कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि ये फ्यूजन नहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, हम वहीं लैंड अप कर जाते हैं. ये बहुत ज़रूरी मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जब मैं फोक म्यूज़िक ऑनसेम्बल्स करता हूँ तो उसमें जो फोक का फ्लेवर है वो इतना खिल के आना चाहिए ऑर्केस्ट्रेशन से, लेकिन दबना नहीं चाहिए. बिल्कुल. और यही एक रीज़न है विद द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं इस तरीके की एक्सपेरिमेंटेशंस कर पाया हूँ. या मैंने जब सूफी ऑनसेम्बल का एक्सपेरिमेंटेशन किया तो पहली बार सूफी म्यूज़िक के साथ ऑर्केस्ट्रा जुड़ा, तो उसमें वायलेंस, चेलोज, पूरा एक स्ट्रिंग सेक्शन आ रहा है, विंड का सेक्शन साथ में जुड़ा हुआ है, जहाँ सैक्सोफोन आ रहा है, टेनर बज रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, साथ में एक इंडियन फ्लेवर भी है. लेकिन जो सूफी म्यूज़िक था वो अपनी जगह पूरा सूफी म्यूज़िक ही बरकरार रहा. यकीनन एक अच्छा खासा लंबा अरसा हो गया आपको परफॉर्म करते हुए. कोई एक परफॉर्मेंस जो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा हो और यादगार परफॉर्मेंस हम जिसे कहते हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग, ये आपको शायद सभी आर्टिस्टों ने कहा होगा कि हर कॉन्सर्ट एक चैलेंज होता है. और ऐसा लगता है कि इस कॉन्सर्ट में वही उतनी ही अहमियत है जितनी की एक डेब्यू के टाइम थी. लेकिन खास तौर पे मैं जब पापा के साथ बजाता हूँ वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो पापा हैं वो अलग बात है, लेकिन एक लेजेंडरी म्यूजिशियन के साथ बजा रहे हैं और वो स्टेज पे भूल जाते हैं कि उनके साथ कोई और भी बैठा है. और जिस तरीके की वो लयकारी और छंद्रकारी करते हैं उसमें तबला प्लेयर के लिए भी बहुत एक मुश्किल दौर होता है. स्पेस देते हैं? जी स्पेस देते हैं, लेकिन वो खाली सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग स्पेस ही होती है. म्यूजिक में कोई छूट नहीं है. और मुझे याद है जब मेरा डेब्यू हुआ था तो पापा की एक राग की रचना जो उन्होंने की थी, राग ललेश्वरी, तो उस टाइम पे वो उन्होंने उसमें मुझे गद बताई. नई राग था, मेरा पहला कॉन्सर्ट था, तो ताल वगैरह बताया, हम ऐसे आएंगे, ये टेम्पो रहेगा, सब कुछ रहेगा. और कॉन्सर्ट में जाके वो कुछ और बजा दिए. तो राग ललेश्वरी के अलावा बाकी सब कुछ अलग था, वहाँ कुछ भी मैच नहीं हो रहा था. और कुछ देर के बाद मैं एक्चुअली बजा नहीं पा रहा था, बहुत स्ट्रेस में आ गया था, कन्फ्यूजन हो गया था काफ़ी कि क्या बजाऊँ नहीं बजाऊँ. और जो पापा का कहना था कि क्योंकि तुम मेरे बेटे हो तो उसका मतलब नहीं है कि कॉन्सर्ट में छूट मिलेगी. अगर स्टेज पे आए हो तो तैयार हो गया हो. या कभी कोई राग घर पे बता देते हैं, कॉन्सर्ट में दूसरी राग शुरू हो जाते हैं, तो बस ट्यूनिंग के लिए जितना टाइम होता है उतना ही होता है. तो लेकिन उसने मुझे, मेरी डेवलपमेंट वैसे ही की है. अबे कुछ आपके अपने हैं और मेरे ख्याल से पिता जिनका जिक्र आपने अभी किया, उनकी अपनी राय रही है आपके आज तक के सफर को लेकर. मैं चाहूंगी आइए देखें कि उन्होंने क्या कहा है आपके लिए. आइए देखते हैं. अभय का ईश्वर की कृपा ये है कि एक ये पहली जनरेशन का तो है नहीं संतूर नवाजोर या म्यूजिशियन. अब इसके पीछे तो पूरी एक हिस्ट्री है, एक लीनेज है, और बहुत ही रिच लीनेज है. ये नाइन्थ है म्यूजिशियनों के परिवार का बच्चा, और जिसमें संतूर नवाज ही रहे हैं, सारी नाइन्थ जनरेशन यही काम करती रही हैं. तो उससे दो चीज़ें हो जाता है. एक तो ये है कि आदमी का तखैल का जो इमेजिनेशन का जो क्रिएटिविटी जिसे कहिए, उपज का जो कैनवास होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है. और दूसरा ये है कि जो सटलिटी एक अंडरस्टैंडिंग रहती है म्यूज़िक की बारीकियों की, वो आदमी में एक इनहेरिटेंस के तौर पर आ जाता है. फिर उसको अपनी रियाजत से तराशना, उसको अपनी क्रिएटिविटी से तराशना, अपने इल्म से, हुनर से तराशना, ये इस बच्चे ने किया हुआ है. बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डिवोटेड, बहुत ही ऑनेस्ट. मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा अच्छा रहे, खूब डेडिकेटेड रहे, डिवोटेड रहे, और अपने नेशन के लिए काम करता जाए. संतूर में काफ़ी नाम सामने आते हैं, लेकिन जो यूथ में हैं, जो नए संतूर प्लेयर हैं, उनमें अगर मैं कहूँ तो इस समय में सबसे आगे अभय सपोरी को रखूँगा, क्योंकि अभय सपोरी ने जो ट्रेडिशनल संतूर प्लेइंग से काफ़ी आगे जाकर के उन्होंने जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, नई नई एक आयाम तय किए हैं, एक नई डायरेक्शन दी है, मेरे ख्याल से उसके मामले में बहुत मुश्किल है जो उनका मुकाबला कर सकता है. तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उसको मेरी कमजोरी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन मुझे अभय सपोरी के जो संतूर से बहुत 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 बेहद लगाव है. उनको मैं यही कहूँगा कि आगे
वो ऐसे ही नए नए अपने आयाम तय करते रहे, उसके लिए उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे जी? मुझे लगता है मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे बड़े सब मुझे बहुत ब्लेस करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कि मैं खासतौर पे अगर क्लासिकल की भी बात करूँ तो ट्रेडिशन को मेंटेन हमेशा मैंने एक अहमियत दी हुई है और उसको आगे भी उसी ढंग से ले जाऊँ। कई बार ये ऐसा भी लगता है कि इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, कितना उसको ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा शायद यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो रिफाइनमेंट लाती हैं, एक ताकत देती हैं काम करने की। नहीं, और माशाल्लाह से आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे। अब ये बातचीत का सिलसिला आपसे हम जारी रखेंगे, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज संतूर की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, अभय रुस्तम सुपोरी। अभय, बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और आपके सोजो साज की बात करें, जो एक आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। कंसीव कैसे किया और रिस्पांस तो यकीनन हमने हॉल में देखा है और बाहर प्रोग्राम्स में भी देखा है, बहुत ज़बरदस्त रहा है, लेकिन इसे कंसीव करना कैसे, क्या सोच थी इसके पीछे? सोजो साज एक्चुअली एक जिसे आप कहें कि पापा का ब्रेन चाइल्ड है और उन्होंने इसे कंसीव किया था अर्ली 70s में, जब वो अपनी फर्दर स्टडी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में, कंपोजिशंस में करके अमेरिका से वापस आए थे। तो वो एक ऐसा दौर था जिसमें कि कश्मीर में रेनेसांस ऑफ म्यूज़िक कहा जाता है उसको, क्योंकि वहाँ पे फोक का अपना एक फ्लेवर था और उससे बाहर लोग जाते नहीं थे। तो कश्मीर में ऑर्केस्ट्रेशन पापा ने इंट्रोड्यूस कराया, कॉयर आने शुरू हो गए, लाइट म्यूज़िक एक नई शक्ल लेके आया, गज़लें एक अलग अंदाज से इंट्रोड्यूस हुई और पूरा एक जिसे आप कहें कि कश्मीरी म्यूज़िक रिडिफाइन हो गया। उसी में ये ऑर्केस्ट्रा की एक नींव पापा ने डाली, जिसे फर्दर सालों तक वो आगे लेते रहे, अलग अलग प्रेजेंटेशंस हुई। जब मैंने इसे अडेप्ट किया तो मैंने कुछ चेंजेस भी किए। जी, मैंने काफ़ी उसमें चेंजेस की, काफ़ी सारी चीज़ें फर्दर उसमें इंट्रोड्यूस भी हुई। एक उसका नंबर काफ़ी इंक्रीज हुआ और उसमें एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेशन जुड़ गया। तो जहाँ पे कि कश्मीर से या जम्मू कश्मीर के हमारे जो फोक फ्लेवर के या हमारे सूफियाना क्लासिकल का संतूर है, उसके अलावा फोक के रबाब, सारंगी, तुम्बक, मटका, लद्दाखी ड्रम्स, इस तरह दहर कश्मीर का एक परकशन है जो मैं रिवाइव किया हूँ, तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फिर वहाँ से स्ट्रिंग सेक्शन आ रहा है जिसमें वायलेंस, चेलोज, डबल बेस, विंड सेक्शन आ रहा है, उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, स्ट्रिंग्स के अलग अलग हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो जो एक मिल के जो एक कॉन्सेप्ट आया, तो ये सोजो साज को एक नई डायरेक्शन में ले गया और काफ़ी इसकी प्रेजेंटेशंस हुई हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड। मतलब अद्भुत जिसे कहते हैं ना, वो जिस जहाँ पर ये परफॉर्म हो रहा होता है वो वहाँ का समा तो खैर देखते ही बनता है। जी, विद द ग्रेस ऑफ। मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्योंकि आपने कश्मीर के फोक आर्टिस्ट के साथ काम किया और आपने उनको एक बहुत बेहतरीन मंच भी दिया इस एक कोशिश के ज़रिए, क्या चिंताएँ आपको नज़र आती हैं अगर उन आर्टिस्ट की बात की जाए तो? देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये एक सिनारियो है, इंडिया में खास तौर पे हमें इसका बहुत ध्यान रखना है क्योंकि भारतीय संस्कृति अपने आप में एक ह्यूज सब्जेक्ट है और हमारे कल्चर के बहुत वेरिएशंस हैं। खास तौर पे अगर कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो बहुत टफ फेज से वहाँ का कल्चर गुजरा है। ओवर द ईयर्स वहाँ के म्यूजिशंस बहुत सफ़र किए हैं और जितनी भी डिस्टर्बेंस रही है उसका एक इम्पैक्ट वहाँ के म्यूज़िक पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुआ है। और आज जो हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये हो रहा है, हमारा म्यूज़िक, हमारा कल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि सब कुछ वेट करते रहें और हम चीज़ों का वेट करें तब तक कुछ ना हो। और हमारी फैमिली का भी यही एक हमेशा से सोच रही है कि इनिशिएटिव लेना है, और अगर ये इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो शायद आज जम्मू कश्मीर में म्यूज़िक इस लेवल का नहीं रहा होता जिसमें इतना वो आया है, क्योंकि दादाजी वहाँ पे फादर ऑफ म्यूज़िक उनको बोला जाता है। किस तरीके से उन्होंने म्यूजिशियंस को, लिसनर्स को क्रिएट किया, म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया,
और यहाँ पे भी हमारे जो फोक म्यूजिशियंस हैं, तभी मैं बहुत स्ट्रेस देता हूँ एनसेंबल्स पे अपने, क्योंकि मैं 30-40 म्यूजिशियंस को एक साथ लेके उनकी फर्दर ग्रूमिंग कर सकता हूँ, उनकी रिफाइनमेंट हो सकती है, चिजलिंग हो सकती है उनकी प्लेइंग की, उनके माइंड की, क्योंकि आर्टिस्ट पड़ा रहेगा तो जंग लग जाता है आर्ट को, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों या एनजीओस हों। किताबी फंक्शन से ऊपर उठ के काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो गया है कि फाइलों पे तो बहुत काम होता है, नज़र नहीं आता है। मुझे ये बताइए कि एक आपका बेहद खूबसूरत शो हमें टेलीविज़न के ज़रिए देखने का मौका मिला, जहाँ आपने जुबिन मेहता के साथ स्टेज शेयर किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। कैसा महसूस हो रहा था और क्या कुछ वसवसे थे दिमाग में जब आप उनके साथ स्टेज शेयर करने जा रहे थे? देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर रहा है कि जुबिन मेहता साहब जैसी एक शख्सियत के साथ मुझे काम करने को मौका उनका मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और फाइनली जब हम उनके साथ स्टेज पे थे, क्लासिक लेजेंड्स हाइडन, बिथोवन, चकोवस्की, इनसे पहले मेरी कंपोजिशन जा रही थी जो वो खुद का कंडक्ट कर रहे थे, मैं उनके साथ कंडक्ट कर रहा था। ये मुझे लगता है एक ऐसा रेयर ऑनर वहाँ पे मिला। और उसके बाद जो मेरा कश्मीरी सोजो साज, उसमें से मेरे कुछ म्यूजिशंस टुगेदर विद बिवेरियन स्टेट ऑर्केस्ट्रा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्केस्ट्राज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी उस टाइम पे कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी हो रही थी, लेकिन मैं इसीलिए जुड़ा रहा इस फंक्शन के साथ क्योंकि मुझे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी म्यूजिक वर्ल्ड तक पहुंचाने का एक जरिया नजर आ रहा था और मुझे लगा कि चाहे जो भी हो ये फंक्शन होना है। बिल्कुल बिल्कुल कामयाब रहे। एक विद द ग्रेस ऑफ गॉड एक हिस्ट्री क्रिएट हुई। अबे, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफ़र को लेकर, मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखें और फिर उन अपनी राय से हमें बताएं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, जब मैं अभय के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आती है, छोटा सा था, 10-12 साल का ही था, संगीत गायन की, संतूर की और सितार की इसकी तालीम चल रही थी और कई वरिष्ठ इसके पिताजी के कई वरिष्ठ शिष्य भी थे, लेकिन उस समय ही इसने मुझसे बोला था कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, पापा के बाद संतूर में तो मेरा ही नाम होगा। और मैं यही सोच रहा हूँ कि देखिए, उसी सकारात्मक सोच, उसी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का नतीजा है जो हम आज देख रहे हैं। यही चीज़ वो आगे लेके आया, इसके संगीत में भी वही सकारात्मक सोच झलकती है, अपनी परंपरा, अपने फैमिली और अपनी इस संस्कार को और आगे ले जाए और लोगों के साथ बाँटे, अपना जीवन सफल करे और उनका भी जीवन सफल करे। आज अभय रुस्तम सोपरी संतूर वादन में जिस तरीके से अपनी सूझबूझ से अपनी रचनात्मक और बौद्धिक स्तर पर जो नए नए रचनाएं कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय में ये अपने एक मौलिक जगह संगीत की दुनिया बनाएंगे। जिस घराने से इनका ताल्लुक है और संगीत में जो इनको एक बहुत बड़ी विरासत मिली है, वो ख़ानदान कश्मीर का एक बहुत ही संपन्न संगीत का घराना है। इनके ऐसे होनहार
और एक तेजस्वी कलाकार के लिए हमारी न सिर्फ इनके लिए दुआएं हैं बल्कि हमारी मन से मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो उम्मीदें इनसे लोग कर रहे हैं उसको ये पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम साबित हों। उम्मीदें बहुत है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जो बचपन की बात अभिषेक ने की और जिन जैसे आपने बताया उम्मीदें बहुत हैं पंडित रविंद्र मिश्रा जी जैसे बताए, अगर मैं बचपन की बात करूं, एक मेरा बहुत ट्रांजिशन रहा है जब मैं कश्मीर से दिल्ली आया। एक हालात बहुत डिफरेंट थे और एडजस्ट करने में मेरे सालों साल निकल गए, शायद तभी की बात होगी, मुझे याद नहीं है मैंने ये कब बोला था। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद मुझ में ये ज़रूर एक इच्छा थी कि मैं अपनी इस लेगेसी को आगे बढ़ाऊं, इसे लूं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक ड्यूटी के साथ, डिसिप्लिन मैनर में आगे ले सकूं। तो चलते चलते अब है आपकी पसंद का एक गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर, ये कल्याण जी आनंद जी साहब की एक कंपोजिशन है और बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट, बहुत खूबसूरत ऑर्केस्ट्रेशन इस गाने की है, लता जी का गाया हुआ है। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। अबे आप आज शख्सियत में आए, वक्त निकाला हम लोगों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, कुछ और खूबसूरत सितारों के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।